Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 4, Folk Art of India. This is your third part. Kathak stitching, this is new topic. Title Kathak from Bengal. Artist unknown. Style Kathak stitching and medium embroidery on silk with colored thread and period contemporary. This is picture of Kathak stitching. Bengal has a delightful folk tradition of embroidery and quilting known as a Kathak. The Kathaks are made of discarded saris and dhotis. These are sewn together to make it thick. Kathak are generally made by the women of all classes in Bengal, particularly the old women. They use their spare time to sew this Kathak by colored thread from the border of old sari and are stitched along the border line, and the surface is filled with various designs, quilts, wedding mats, bags and wrap for mirror and jewelry were all quilted and embroidered. बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर अत्यधिक मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है. इस प्रथा का नाम कंथक है. प्रयोग ना किए जाने वाले, जो जिनका इस्तेमाल नहीं किए करते हैं, ऐसी पुरानी साड़ियाँ और जो धोती हैं उन पर कंथक की कढ़ाई बनाई जाती है. इन्हें मोटा बनाने के लिए दोनों को जोड़कर सिल दिया जाता है. बंगाल में सभी जो महिलाएं हैं वो ये कार्य करती हैं. विशेषकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपने जो जो उनके पास टाइम होता है उसमें वो ये काम करती हैं. रंगीन धागों से पुरानी साड़ियों के जो बॉर्डर हैं या किनारा हम जिसको कहते हैं उन पर कंथक की साड़ी की सतह से वो लोग क्या करते हैं, सिलना शुरू करते हैं. साड़ियों की सतह पर अलग अलग तरह की परिकल्पना की जाती है. रजाइयाँ और शादी की जो चटाइयाँ होती हैं और जो आईना या हम कहते हैं उस पर, और गहने जवाहरातों को ढकने के लिए जो कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है उन पर कंथक की कढ़ाई की जाती है. और मोटिव्स एंड डिजाइन आर टेकन फ्रॉम रूरल लैंडस्केप, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी, पर्पस, ऑब्जेक्ट एंड एवरी डे लाइफ, रूरल फेस्टिवल, सर्कस, इंटरटेनर्स एंड इवन हिस्टोरिकल फिगर सच एज क्वीन विक्टोरिया टू लेनिन. द मोटिव्स ऑन दिस कंथक मेड इट क्लियर दैट द फ्लोक वुमेन वेर मोस्टली इलिटरेट बट हैड कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर डे टू डे हैपनिंग अराउंड देम. इन जो कंथक के जो कढ़ाइयां होती हैं उसमें जो कंथक के जो जो मोटिफ है और डिजाइन है ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य, कर्मकांड और धार्मिक क्रियाओं को और नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि ग्रामीण त्योहार, सर्कस और मनोरंजन प्रदान करने वाले खेल कूद तथा ऐतिहासिक हस्तियों जैसे कि रानी विक्टोरिया से लेनिन तक के जो चित्र के से लिए जाते हैं. इन कंथक के मोटिफ यह स्पष्ट करते हैं कि इसके जो कलाकार हैं यद्यपि वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनमें अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखने में, ध्यान से देखने की जो निरीक्षण की जो शक्ति है वो काफी है. वो बहुत ध्यान से उसको देखते हैं. द एनलिस्टेड कंथक इज अ सारी विच इज stitch in a typical tradition style and technique. The motifs are styles form of animals and human figure. The base pink color of the sari is done in chain stitch with various color thread like white, green, purple, red, brown, yellow, gray and black. हम कह सकते हैं जैसे ये इनको जो साड़ियों को जो बनाने की जो सूची सूची या लिस्ट जो है, सूचीबद्ध कंथक एक प्रकार की साड़ी है जो एक विशिष्ट
पारंपरिक शैली तथा तकनीकी से सिली होती है। इनके जो मोटिफ है वो विभिन्न प्रकार के पशु या मानव आकृति के रूप में होते हैं। साड़ियों के आधार हम गुलाबी रंग के या विभिन्न रंगों के धागों से चेन स्टिच जो होती है या श्रृंखलाबद्ध जो धागों की कढ़ाई होती है पद्धति से कढ़ाई की जाती है। इसमें सफेद, हरा और बैंगनी, लाल और पीले तथा काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। अ किंग लाइक फिगर इज सिटिंग ऑन द हॉर्स विद एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। सम स्टाइल्ड फ्रॉम ऑफ बर्ड एंड बीज आर यूज्ड एज मोटिव्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ कालीघाटा पता चित्रा इज वेरी क्लियर ऑन दिस मोटिव्स। राजा जैसे दिखने वाला व्यक्ति, व्यक्ति जो घोड़े पर बैठा है और उसके सर पर छाता है, छाता लगा हुआ है और उसके हाथ में विशेष प्रकार की चिड़िया तथा मधुमक्खियां मोटिव के तौर पर प्रयोग की जाती है। और जो ये मोटिव है इन मोटिव में काली घाटा या पटचित्र का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सो स्टूडेंट थैंक यू।